नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में इस साल से 4 साल का स्नातक कोर्स। दशाख पर्व पर श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में आस्था की डुबकी। बिहार की राजधानी में स्कूलों के खुलने बंद होने का बदला समय। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का यह जिला देश में सबसे आगे। पृथ्वी शॉ को बॉम्बे HC ने इस मामले को लेकर थमाया नोटिस। उसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में इस साल से 4 साल का स्नातक कोर्स। अब बिहार के यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री लेने के लिए बच्चों को 3 साल के बजाय 4 साल की पढ़ाई पढ़नी होगी। बता दें कि इस नए नियम को इस साल से लागू किया जाएगा। मालूम हो कि बिहार के विश्वविद्यालयों के चांसलर और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर के द्वारा आज राज्य के सारी यूनिवर्सिटी के VC के साथ एक बैठक की गई, जिसमें यह आदेश दिया गया है कि इस साल यानी कि 2023 से स्नातक की डिग्री हासिल करने के लिए बच्चों को 4 साल पढ़ना होगा। इसके साथ ही इस 4 साल के स्नातक कोर्स की संरचना और फर्स्ट ईयर के लिए विस्तृत सिलेबस तैयार करने के लिए एक कमेटी भी गठित करने का आदेश दिया गया है। मालूम हो कि अब राज्य के सारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशन करने तक सब कुछ एक साथ होगा। राज्यपाल के द्वारा सारे यूनिवर्सिटी के लिए एकेडमिक कैलेंडर बनाने का भी निर्देश दिया गया है। वैशाख पर्व पर श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में आस्था की डुबकी। आज बिहार में वैशाख महीने का सतुवानी का त्योहार है। ऐसे में आज बिहार की राजधानी पटना के गंगा घाटों पर पहले सुबह से ही भीड़ देखने को मिली। बता दें कि आज के दिन कई श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और फिर भगवान भास्कर का पूजा अर्चना किया। मालूम हो कि इस अवसर पर सभी लोग सत्तू, मिठा और कई प्रकार के फसल का भी दान पुण्य करते हैं। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन गंगा स्नान करने का बहुत महत्व है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गंगा में स्नान के बाद सत्तू, आम, गुड़ तथा कई प्रकार की नई फसल भी प्रसाद के रूप में खाते हैं। बता दें कि आज के दिन सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के महाराज खालसा पंथ का स्थापना दिवस है, इसलिए सिख लोग भी इसे वैशाखी महोत्सव के रूप में मनाते हैं। बिहार की राजधानी में स्कूलों के खुलने बंद होने का बदला समय। राज्य में दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती जा रही है। ऐसे में इस बढ़ती गर्मी को देखते हुए बच्चों को लू और गर्मी से बचाने के लिए बिहार की राजधानी पटना के स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव कर दिया गया है। बता दें कि टाइमिंग में बदलाव करने का आदेश पटना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा दिया गया है। मालूम हो कि नए टाइमिंग के अनुसार 15 अप्रैल यानी कि कल से पटना जिला में सभी निजी और सरकारी स्कूल सुबह 11:45 बजे तक संचालित होंगे। ऐसे में अब अगर किसी स्कूलों को 11:45 के बाद खुला पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि आदेश प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी लागू होगा। DM ने कहा कि बच्चों को स्वास्थ्य उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। CM नीतीश के प्रधान सचिव को मिला फ्लाइंग लाइसेंस। वित्त विभाग और कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव सह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव डॉक्टर S. सिद्धार्थ के द्वारा अपने बचपन के सपने को पूरा करते हुए फ्लाइंग कार ट्रेनिंग लिया जा रहा था, वहीं अब उन्हें उनकी ट्रेनिंग के बाद फ्लाइंग का लाइसेंस मिल गया है। बता दें कि डॉक्टर S. सिद्धार्थ बिहार और झारखंड के इकलौते ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने फ्लाइंग लाइसेंस लिया हो। अपनी इस उपलब्धि पर डॉक्टर S. सिद्धार्थ का कहना है कि यह उनका बचपन का सपना था। उन्होंने बताया कि वह बचपन में खिलौने वाले एयरप्लेन को लेकर इस आशा से दौड़ते थे कि यह उड़ेगी। वहीं जब मुझे पायलट लाइसेंस मिला तो मुझे लगा कि मेरा सपना साकार हो गया है। बता दें कि वह भी आंतरिक नियंत्रण वाला मल्टीपर्पज रोबोट बनाने में लगे हुए हैं। शिक्षक संघ से नीतीश सरकार को मिला 24 घंटे का अल्टीमेटम। 15 अप्रैल से बिहार में जातीय जनगणना के दूसरे चरण की शुरुआत होने वाली है, जिसकी जिम्मेदारी बिहार के शिक्षकों को दी गई है। लेकिन अब बिहार के नियोजित शिक्षकों के द्वारा शिक्षक नियुक्ति नियमावली को लेकर बिहार सरकार को कल से शुरू होने वाली जातीय जनगणना के दूसरे चरण को लेकर 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। दरअसल शिक्षकों के द्वारा जातीय जनगणना को बहिष्कार करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर बिहार सरकार शिक्षक नियुक्ति नियमावली को वापस नहीं लेती है तो वे जातीय जनगणना का बहिष्कार करेंगे, वो इस काम में खुद को नहीं जोड़ेंगे। बता दें कि शिक्षक संघ का कहना है कि बिहार सरकार के द्वारा उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है और उन्हें ठगने की कोशिश की जा रही है। बिहार में बापूधाम मोतिहारी और पाटलिपुत्र के बीच चलेगी नई मेमो इंटरसिटी एक्सप्रेस। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रेल यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए बहुत जल्द ही समस्तीपुर रेल मंडल के बापूधाम मोतिहारी और पाटलिपुत्र के बीच एक जोड़ी नई मेमू इंटरसिटी एक्सप्रेस के परिचालन की शुरुआत की जाएगी। बता दें कि इस ट्रेन के परिचालन की शुरुआत कल यानी कि 15 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। मालूम हो कि जिस नई ट्रेन का परिचालन बापूधाम मोतिहारी और पाटलिपुत्र के बीच किया जाएगा वह ट्रेन संख्या 05556 बापूधाम मोतिहारी पाटलिपुत्र
स्पेशल ट्रेन है जो कि दोपहर 3:30 बजे बाबूधाम मोतिहारी से खुलेगी और रात 8 बजे तक पाटलिपुत्र पहुंचेगी। वहीं ट्रेन संख्या 1555 बापूधाम मोतिहारी पाटलिपुत्र बापूधाम मोतिहारी मेमू इंटरसिटी एक्सप्रेस का नियमित परिचालन 16 अप्रैल से किया जाएगा जो सुबह 6 बजे बापूधाम मोतिहारी से खुलेगी और सुबह 9:30 बजे तक पाटलिपुत्र पहुंच जाएगी। इसके अलावा वापसी में यही ट्रेन शाम 7 बजे पाटलिपुत्र से खुलेगी और बापूधाम मोतिहारी रात 10:30 बजे पहुंचेगी। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का यह जिला देश में सबसे आगे। एक बार फिर से बिहार ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना परचम लहराया है। बता दें कि इस क्षेत्र में देश की टॉप 5 जिलों में बिहार के भी 2 जिले शामिल है। मालूम हो कि टॉप 5 जिलों में सबसे पहले स्थान पर बिहार का शेखपुरा है तो वहीं दूसरे स्थान पर पूर्णिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य रूप से स्कूल में पढ़ाई, लाइब्रेरी की सुविधा, स्कूलों में आधारभूत संरचना जिसमें पेयजल और टॉयलेट आदि पर ध्यान दिया जाता है। हालांकि नीति आयोग के द्वारा फरवरी 2023 की जारी चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग के ओवरऑल सेगमेंट में बिहार का एक भी जिला शामिल नहीं है। मालूम हो कि इस योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा देश के पिछड़े जिलों को विकास की मुख्य धारा में लाने और उन्हें विकसित जिला बनाया जाता है। अब बिना परमिट के नहीं चलेगी ऑटो और ई रिक्शा। पटना वासियों को अब बहुत जल्द ही जाम की समस्या से निजात मिलने वाला है। दरअसल परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम के संयुक्त तत्वावधान में विशेष अभियान की शुरुआत की जा रही है जिसके अंतर्गत बिहार की राजधानी पटना के सड़कों पर बिना परमिट के ऑटो और ई रिक्शा को नहीं चलाया जाएगा और साथ ही इनके रूटों का निर्धारण भी किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस अभियान की मॉनिटरिंग राज्य परिवहन आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी और ट्रैफिक एसपी पूरन झा के द्वारा की जाएगी। मालूम हो कि अगर ऑटो को बिना परमिट के परिचालन करते हुए पाया जाता है तो उस स्थिति में ऑटो को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी और साथ ही ऑटो चालक से जुर्माना भी वसूला जाएगा। आज शाम खत्म होगा खरमास। इस दिन से शुभ कार्य का होगा आरंभ। आज यानी कि 14 अप्रैल को सभी लोग संक्रांति मना रहे हैं। बता दें कि संक्रांति को अलग अलग नामों से जाना जाता है जिसमें बिहार में सतुआनी तो वहीं पंजाब में वैशाखी के नाम से जाना जाता है। बता दें कि ज्योतिषों के अनुसार आज यानी कि मेष संक्रांति को शाम से खरमास खत्म हो रहा है। दरअसल आज शाम 5:26 पर सूर्यदेव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं खरमास के खत्म होते ही सारे शुभ कार्यों को करने की शुरुआत हो जाती है। हालांकि शादी का विवाह के शुभ मुहूर्त की शुरुआत 1 मई से शुरू हो रही है जो कि पूरे मई जून तक चलेगी और फिर दिसंबर महीने में शादी के अच्छे योग बनेंगे। लेकिन 15 अप्रैल यानी कि कल से शादी विवाह से संबंधित सभी कार्यों को करने की शुरुआत हो जाएगी। प्रदेश में कोरोना के 61 नए मामले आए सामने। बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बता दें कि राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 61 नए मामले सामने आए हैं जिसके बाद अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 254 पर पहुंच गई है। मालूम हो कि इन 254 कोरोना मामलों में अकेले बिहार की राजधानी पटना से 139 मामले हैं। वहीं भागलपुर के 20, खगड़िया के 15, मुंगेर के 14 और गया के 12 मरीज हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कुल 57,000 लोगों की कोरोना जांच हुई है। इस तरह देखा जाए तो पटना में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित है। बता दें कि जिस प्रकार कोरोना के संक्रमण में बढ़ोतरी हो रही है उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि एक बार फिर से कोरोना की नई लहर दस्तक दे सकती है। फर्जी धन कुबेरों की संपत्ति होगी जब्त। बिहार के वैसे लोग जो अवैध संपत्ति अर्जित करते हैं उनके खिलाफ नकेल कसने के लिए और अवैध संपत्ति को जब्त करने के लिए आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा इसकी पूरी फेहरिस्त अपडेट करके ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय को भेज दिया गया है। बता दें कि आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा 142 अपराधियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव भेजा गया है। बता दें कि ईओयू के द्वारा भेजे गए सूची में 30 से अधिक शराब माफियाओं या तस्करों का नाम शामिल है। इसके अलावा इस सूची में अधिकारियों, अपराधियों, माफियाओं और नक्सलियों के भी नाम शामिल है। बता दें कि इस सूची के आधार पर ईडी के द्वारा लिस्ट तैयार की जाएगी और फिर इन पर इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। गांधी मैदान होगा ईद की नमाज के लिए तैयार। ईद में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में बीते दिन गुरुवार को जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह एवं एसएसपी राजीव मिश्रा के द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में नमाज ए ईदैन कमेटी के सदस्यों के साथ और अधिकारियों के साथ बैठक की गई जिसमें सभी अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि ईद के अवसर पर गांधी मैदान में नमाज अदा करने के लिए समुचित एवं ससमय प्रशासनिक तैयारियों को पूर्ण किया जाए। टीएम के द्वारा बताया गया कि पैदल आने वाले नमाजियों का प्रवेश गांधी मैदान में गेट संख्या 4 और 12 से होगा। वहीं वाहन वाले नमाजियों का प्रवेश गेट संख्या 5, 7 और 10 से होगा। वहीं वाहनों की पार्किंग के लिए स्थल को भी चिन्हित किया जाएगा। मालूम हो कि इस दौरान पर्याप्त संख्या में पुलिस बल एवं दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार ऐसी संभावना जताई जा रही है कि ईद का चांद 21 अप्रैल को दिखेगा, इसलिए 22 अप्रैल को ईद मनाया जाएगा।
अम्बेडकर जयंती के मौके पर जेडीयू की ओर से कई बड़े कार्यक्रम। आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, ऐसे में आज पूरे बिहार में जेडीयू की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बता दें कि आज यानी कि शुक्रवार को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के मौके पर जेडीयू की ओर से बिहार के विभिन्न जिलों में पंचायत स्तर पर भीम चौपाल के साथ कई कार्यक्रम आयोजन किए गए हैं। मालूम हो कि बिहार की राजधानी पटना में जेडीयू की ओर से जेडीयू कार्यालय के कर्पूरी सभागार में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। बता दें कि इस बार का जयंती 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी खास माना जा रहा है। सभी पार्टियां दलित वोटरों को लुभाने में लगी है, इसलिए जेडीयू के अलावा आरजेडी, राष्ट्रीय लोक जनता दल, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी समेत बीजेपी और अन्य दलों के द्वारा भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। पृथ्वी शॉ को बॉम्बे एचसी ने इस मामले को लेकर थमाया नोटिस। बीते दिन गुरुवार को भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और शहर को बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सपना गिल द्वारा दायर याचिका पर नोटिस कर उनकी प्रतिक्रिया मांगी गई है। बता दें कि इसमें उनके खिलाफ कथित रूप से हमला करने और एथलीट से पैसे मांगने के लिए दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी। बता दें कि एफआईआर इस साल फरवरी में दर्ज की गई थी, जब मुंबई के एक होटल के बाहर सपना गिल और उनके दोस्तों का शॉ व उनके दोस्तों के साथ सेल्फी लेने पर विवाद हो गया था। वहीं बीते दिन सपना गिल की याचिका पर नोटिस जारी कर इस मामले की सुनवाई जून के लिए स्थगित कर दी गई है। बता दें कि पृथ्वी शॉ का फिलहाल मौजूदा आईपीएल में भी प्रदर्शन अच्छा नहीं चल रहा। इन्होंने अब तक 4 मैचों में हिस्सा लिया है और केवल 34 रन बनाया है। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी शुक्रवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कुश कुमार यादव, सन्नी सहनी, रंजीत मिश्रा, शंकर मुखिया, बिट्टू कुमार राज, मृत्युंजय कुमार, सदुल्लाह पलवी, सरवन कुमार, मुटु रंगीला, नन्नू गोरू कुमार, रवि कुमार राम, मोहम्मद सकीर हुसैन, रविशंकर, अनवर करीम खान, उमेश ऋषिदेव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार आपके क्षेत्र के स्कूलों में मिलने वाली शिक्षा का स्तर कैसा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।